हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय न्यू वीडियो। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्टिवा, जो कि होंडा की तरफ से स्कूटी आती है, उसमें अब होंडा ने लॉन्च किया है नया प्रीमियम वर्जन। तो हम बात करेंगे कि जो ये प्रीमियम वर्जन है, इसके अंदर क्या क्या तो फीचर ऐड किए हैं और ये प्राइस सेगमेंट में आ रही है और अपन को ये लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए, और इसके अंदर क्या क्या इंजन में चेंजमेंट हुए हैं, क्या क्या फीचर ज़्यादा ऐड ऑन किए हैं कंपनी ने, तो उन सारी चीज़ों की डिटेल हम आपको देंगे। तो इसके अंदर जो मेरे को सबसे पहला जो चेंजमेंट लगा प्रीमियम के अंदर, मिलती थी ये प्लेट, ये सिल्वर कलर की मिलती थी, अब जो कि बैजिंग है ये मतलब गोल्ड कलर की करती है, और जैसे होंडा की बैजिंग है ये भी गोल्ड कलर की करती है इन्होंने। और जो ये रिम आती थी, तो रिम पहले सिंपल कलर में आती थी, सिल्वर या ब्लैक कलर में आती थी, तो इसको भी उन्होंने मतलब चेंजमेंट किया है। और जो इसके अंदर सबसे बड़ा चेंजमेंट मेरे को लगा, जो कि अच्छा फीचर लगा मेरे को, कि जो सेफ्टी के लिए सबसे बढ़िया है, उसके अंदर इन्होंने किया है कि जो साइड स्टैंड है, जब तक वो लगा रहेगा, जैसे कि साइड स्टैंड जब तक लगा रहेगा तो इंजन अपना स्टार्ट नहीं होगा। एक फीचर जो ऐड ऑन किया गया है वो है इसकी सीट। तो इसकी सीट के अंदर अपने को ज़्यादा स्पेस मिलता है, कम्फर्ट मिलता है, और बाकी की जहाँ पे भी है, जैसे एक्टिवा की बैजिंग है, जैसे पहले सिल्वर कलर में मिलती थी अपने को, तो ये गोल्ड कलर में कर दिया है, यहाँ प्रीमियम की बैजिंग मिल जाती है अपने को। और जो फ्यूल सिस्टम है, जैसे वो भी अपने को पहले अंदर मिलता था, बाहर मिलने लग गया है, और इनके लिए अलग से देखो अलग से बटन्स का वो दिया गया है। कंपनी जो है वो कुछ ऐसी की अपने को ऑफर करती है, अपन ने लिया, जैसे की लगाई, तो की लगाने के बाद जो अपने को पहले तो मतलब सिंपल स्टार्ट स्टॉप का मतलब सेल्फ का बटन मिलता था, तो इसको ACG स्टार्ट बटन बोलते हैं। तो ये इंजन ऑफ है, उसके बाद में ये मतलब पावर में आ गया, और जब इसको दबाएंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे ही अपन इसके अंदर की लगाएंगे, तो जैसे ये ऑफ पे है, और ये फ्यूल जो सिस्टम है इसका, इस पे अगर चाबी को अपन रखेंगे, तो उसके बाद में जो है वो अपन इसकी सीट और जो फ्यूल का जो सिस्टम है उसको ओपन कर पाएंगे। लेकिन अगर अपन ने इसको अगर ऑन पे कर दिया, कैप है और जो सीट है वो ओपन नहीं हो पाएगी, तो इसके लिए अपन को इसको जो फ्यूल वाला मोड है उस पे रखना पड़ेगा, और इसकी जो फ्यूल कैप है उसको खोलने के लिए कैसे खोलना पड़ेगा वो आपको दिखाते हैं। सिंपली इस बटन को जब अपन प्रेस करेंगे, तो इस बटन को प्रेस करते ही ये जो फ्यूल कैप है ये खुल जाएगी, जो कि पहले सीट के अंदर आती थी, जो कि अब बाहर दे दी है कंपनी ने। ये मेरे को बहुत अच्छा फीचर लगा एक प्रकार से। और इसके बाद जो अपना सीट वाला है वो भी सेम सिस्टम है, इसके अंदर जैसे ही सीट वाले को प्रेस करेंगे तो अपनी सीट खुल जाती है, और जो सीट है इसके अंदर एक मतलब मेरे हिसाब से देखा जाए तो मच मोर स्पेस है इसके अंदर, आराम से अपना हेलमेट या वाटर बॉटल अपन आराम से कैरी कर सकते हैं। और इसके अंदर जो नया फीचर ऐड ऑन किया गया है, BS6 इंजन दिया गया है अपने का, पहले BS4 आता था, और इसके अंदर जो इंजन है वो अपने को 110 CC का इंजन मिलता है, जो कि एक पावरफुल इंजन है मेरे हिसाब से, क्योंकि जो स्कूटी है ज़्यादातर लेडीज़ के काम आती है, तो उनके हिसाब से बहुत मच बेटर है। इसके अंदर अपने को, इस स्कूटी के अंदर अपने को 3 कलर मिल जाते हैं, जो कि कंपनी अपने को ऑफर करती है, जिसके अंदर एक तो ये कलर है जिसको मैरून रेड कह सकते हैं अपन, और जो दूसरा कलर है वो ब्लू है, और जो तीसरा कलर दिया गया है कंपनी की तरफ से वो ग्रीन है, जो कि और मेरे हिसाब से सबसे अच्छा कलर जो है ये मेरे को यही लगा। और अगर बात करें इसकी हेडलाइट्स की, तो इसके अंदर DC लाइट दी गई है, जो ये हेडलाइट है ये DC लाइट दी गई है, जिसके अंदर मतलब जैसे ही अपन की ऑन करेंगे, इग्निशन जैसे ही अपना ऑन होगा, उसी हिसाब से लाइट है जो ऑटोमेटिक चालू हो जाएगी, जो कि BS6 इंजन में हमेशा ही आ रहा है, लेकिन इसके अंदर जो है, और इसकी जो लाइट्स हेडलाइट्स हैं जो और भी ज़्यादा मच पावरफुल कर दी गई हैं, मतलब जो एक्टिवा 6G जो आ रही है उससे कुछ मच बेटर फीचर हैं इसके अंदर, जो कि मेरे को अच्छा लगा। और जो इसकी जो प्रीमियमनेस जो दिखाती है वो दिखाती है इसकी ये जो गोल्ड कलर की बैजिंग है जगह जगह पर, जहाँ जैसे होंडा पे है ये जो साइड में है गोल्ड कलर दिया गया है, ये चीज़ मेरे को मतलब बहुत अच्छी लगी। जो इसके अंदर जो रिम है उसके अंदर जो दिया गया, और इसके अंदर जो है अपने को कॉम्बो ब्रेक मिल रहे हैं, जो कि एक अच्छा फीचर है, जैसे कि गलती से अपन चल रहे हैं और एक ही ब्रेक लगाए तो दोनों लग जाएंगे, तो इससे अपना गिरने का जो खतरा है वो बच जाता है। प्राइस कंपनी ने रखा है, वो जो प्राइस रखा है वो है 96,500 के आसपास, स्टेट के हिसाब से चेंज होता रहेगा। तो और जो इसकी एवरेज की बात कर ले, सबसे बड़ी बात है इंडिया में है तो इंडिया वाले तो एवरेज पूछते हैं पहले, तो इंडिया की बात करें और एवरेज की बात करें, तो इसकी एवरेज है 45 से 50 के बीच में, 45-50 के बीच में ये फ्यूल एवरेज दे रही है। और ऐसी कार और बाइक रिव्यूज़ की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।